सेक्शन बहुत पसंद है, यहाँ किचन के आइटम्स और घर को
कैंडल स्टैंड लिया है, देखिए इस टाइप का अंदर में बना हुआ है, तो केस टाइप का है। और इसका जो प्राइस है, इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है, 599 का है, तो 600 का है ये। और काफ़ी मजबूत है, काफ़ी सुंदर है, तो ये मैं अपने सेंटर टेबल के लिए लिया है रखने के लिए, तो मुझे काफ़ी पसंद आया तो मैंने इसको भी ले लिया। तो ये भी बहुत ही अच्छा एंटिक पीस है। और ये मैं एरोमेटिक कैंडल ली हूँ, और इवनिंग में इसको जला के रखना मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैंने सोचा मुझे दिखा तो मैंने सोचा चलिए एक लेके देखती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से है, काफ़ी अच्छा इसका खुशबू है, और इसका जो प्राइस है वो है 299, जो कि 300 कहलाएगा, 1 रुपीस कम है, ठीक है। तो एक ये हो गया, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, 2-3 सामान ही लिया, और एक मैं वहीं का फेस मास्क लिया है, शीट मास्क लिया है, तो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, तो ये मैं रखती हूँ कभी जैसे मुझे कहीं बाहर जाना है और मैं कुछ कर नहीं पा रही अपने फेस के लिए, तो मैं इस तरह का रखती हूँ और यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए एक बार लेके देखती हूँ कि ये किस तरह का है, कैसा इफ़ेक्ट देता है, तो अगर अच्छा रहा तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में रिव्यू दूँगी, ठीक है। तभी तो मैं जो जो लाई हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए मैं अभी जा रही हूँ डिनर बनाने, और डिनर में मैं आज बहुत ही झटपट बनने वाली 1 पॉट मील बना रही हूँ, तो देखते हैं क्या मैं ऐसा किचन में बनाने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं बना ही रही थी तो मैंने सोचा सब चलिए आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि हम लोगों को बहुत पसंद आता, हमारे फैमिली में सबको ये बहुत पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और किचन में चलते हैं और बनाते हैं वो रेसिपी। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, तो चलिए ये देखिए, ये कुकर में नहीं बनेगा, ये मैं पॉट में या फिर कढ़ाई में मैं बना रही हूँ, या पैन में बना सकते हैं आप, तो मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ और मैं घी के साथ बना रही हूँ। आप चाहे तो वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसके साथ मैं जितने भी खड़े गरम मसाले हैं वो पहले ऐड कर दी हूँ। घी डाला मैंने पहले और सारे खड़े गरम मसाले डाल के फिर मैंने शाही जीरा होता है ना वो डाला है। आप चाहें तो जीरा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शाही जीरा के साथ अच्छा टेस्ट आता है। Thank you.
थोड़े देर के लिए कपड़ा होता ना, कपड़ा लगा के उसको ढक्कन लगा दूँगी और दम पे छोड़ूंगी। पुलाव रेडी हो गया है तो अब मैं इसे सर्व कर लूँगी और हम इसे बैठ के एंजॉय करेंगे रायता के साथ, या ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अच्छे वीडियो और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर।